कैंसर महिलाओं में सर्विक्स की कोशिकाओं को इफेक्ट करता है। सर्विक्स यूट्रस के निचले भाग का हिस्सा है जो वेजाइना से जुड़ा होता है। सर्वाइकल कैंसर इस हिस्से की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV के अलग अलग तरह के HPV स्ट्रेन्स के कारण होते हैं। HPV एक बहुत ही आम यौन रोग है जो जननांग में मस्से के रूप में दिखता है, जो कुछ ही वक्त में धीरे धीरे सर्वाइकल कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में तब्दील कर देता है। अब सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर का पता कैसे लगाएं? विशेषज्ञों के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसमें 10 से 15 साल तक प्री कैंसर स्टेज रहता है और पैप स्मीयर जैसी सामान्य जांच से इसका पता लग सकता है, जिसे कैंसर को बढ़ने से रोकना मुमकिन है। हर 3 साल में महिलाओं को पैप टेस्ट की सलाह दी जाती है। 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को HPV टेस्ट भी करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर तेजी से फैल रहा है। भारतीय महिलाओं को इससे बचाने के लिए सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक खास घोषणा की। इस बजट में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण करके कैंसर के खतरों को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत की जाएगी। 9 से 14 साल की उम्र की लगभग 8 करोड़ बालिकाओं को टीका दिया जाएगा। देश में हर साल 1,25,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से ग्रस्त पाई जाती हैं। इससे सालाना 75,000 की मौत हो जाती है। देश में 9 से 14 साल की बालिकाओं की संख्या 8 करोड़ है। सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाएगी। जानकारों के मुताबिक HPV के वैक्सीन की मदद से इस कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला गंभीर प्रकार का कैंसर है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है जो योनि से जुड़ता है। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के संक्रमण के कारण होते हैं। HPV एक आम वायरस है जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यौन रूप से कम आधे लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी HPV संक्रमण हो सकता है। हालांकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस संक्रमण को कम कर देती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उनमें संक्रमण बढ़ने और इसके गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि HPV वैक्सीन कितनी कारगर होगी। अध्ययनकर्ताओं ने बताया HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते खतरों को कम करने में मददगार हो सकती है। शोध में पाया गया है कि HPV वैक्सीन 90% से अधिक HPV संक्रमण और कैंसर को कम करने में मददगार हो सकती है। साल 2006 में पहली बार HPV टीकाकरण की सिफारिश की गई थी। CDC रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र 12 वर्ष की आयु में नियमित HPV टीकाकरण का सुझाव देता है। ये टीका सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं कई और गंभीर प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में भी कारगर हो सकता है। HPV वैक्सीन से होने वाले फायदे क्या हैं? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं 9 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को ये टीका दिया जा सकता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC 11 या 12 साल की उम्र में नियमित HPV टीकाकरण का सुझाव देता है। टीकाकरण के लिए आदर्श उम्र किसी व्यक्ति के यौन सक्रिय होने से पहले है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि ये वैक्सीन न सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मददगार हो सकती है, साथ ही इससे लिंग और गुदा कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। HPV वैक्सीन HPV वायरस के कारण होने वाले मुंह, गले, सर और गर्दन के कैंसर से भी बचाने में मददगार हो सकती है। वैक्सीनेशन की डोज और सावधानियां क्या हैं? मायो क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 6 से 12 महीने के अंतर पर 2 डोज का टीका लगाया जा सकता है। जो लोग 15 से 26 वर्ष की उम्र में टीका लगवाना शुरू करते हैं उन्हें टीके की 3 खुराकें लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कुछ लोगों को ये टीका नहीं लेना चाहिए। HPV टीका गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता। अगर किसी व्यक्ति को पहले HPV शॉट के बाद एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो या जिसे गंभीर एलर्जी की समस्या है उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही टीकाकरण कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं?
कैसे इसे पहचाना जा सकता है, सवाल ये सबसे अहम है। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर का कोई शुरुआती लक्षण नहीं होता। इसके लक्षण तब दिखने शुरू होते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। मासिक स्त्राव में अनियमितता, महावारी के अलावा भी रक्त स्त्राव होना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद रक्त स्त्राव होना, मेनोपॉज के बाद रक्त स्त्राव होना, दुर्गंध युक्त स्त्राव होना सर्वाइकल कैंसर के लक्षण है। सिर्फ यही नहीं, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाना और बहुत कम उम्र में यौन गतिविधियों में शामिल होना भी सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण STI और HIV से भी HPV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान से भी खतरा बढ़ जाता है। साफ सफाई का ध्यान न रखना, जागरूकता नहीं होना और समय पर स्क्रीनिंग नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के मामले ज्यादा होते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कैसे बचा जाए। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए HPV से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। 9 से 26 साल की उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए टीका उपलब्ध है। टीके का सबसे ज्यादा प्रभाव तब होता है जब यौन गतिविधियां शुरू होने से पहले ही लड़की को टीका लगवा दिया जाए। 9 से 14 साल की उम्र में 2 इंजेक्शन के रूप में टीका लगाया जाता है और 14 से 26 की उम्र में 3 इंजेक्शन की जरूरत होती है। हालांकि टीके के बाद भी नियमित स्क्रीनिंग जरूरी है। टीका सर्वाइकल कैंसर से 70-80% तक बचाव करता है, इसलिए जल्दी पता लगाने और समय पर इलाज के लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 10 में से एक से भी कम महिला ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कितनी कमी है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।